हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे चैनल में। अगर आप पहली बार हमारा वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब जरूर करें और लास्ट तक जरूर देखें। सबसे ज्यादा संक्षिप्त न्यूज की जानकारी के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। बदमाशों के बुलंद हौसले कानून व्यवस्था को धता बता रहे हैं। पुलिस की तमाम नाकाबंदी और सुरक्षा की पोल खोलते हुए भिवाड़ी और बदमाश 2 मिनट और 14 लाख के गहने लूटकर आसानी से फरार हो गए। दरअसल घटना भिवाड़ी के भीड़भाड़ वाले समतल रोड पर बुधवार शाम की है, जिस समय यहां स्थित एक ज्वेलरी शॉप और 3 बदमाश घुसे और रिवाल्वर की नोक पर ने लूट लिए। दुकान के मालिक मनोज सोनी के मुताबिक शाम करीब बजे 3 बदमाश घुसे और उस पर रिवाल्वर तान दी। जिस समय उसने गहने के बॉक्स निकालने और आनाकानी की तो एक बदमाश ने उस पर फायर कर दिया, लेकिन निशाना चूक गया और गोली काउंटर और लगी। इसके बाद वह गहने से भरा बॉक्स उठाकर बाहर निकल गए। प्रत्यक्षदर्शियों के अनुसार बदमाशों ने लूट के बाद बाहर निकलकर भी 2 हवाई फायर किए। लूट की यह वारदात पुलिस चौकी से मजफैल 100 मीटर की दूरी पर हुई। घटना के दौरान इलाके की लाइट गुल थी। मौके पर पहुंची पुलिस ने विपणन विभाग के अधिकारियों से संपर्क कर विपणन बहाल कराई। इसके बाद नाकाबंदी भी कराई गई, लेकिन आरोपियों का सुराग नहीं मिल सका है। वहीं पुलिस ने दुकान और लगे सीसीटीवी और कैमरा फुटेज के आधार पर आरोपियों की तलाश प्रारंभ कर दी है। पुलिस के अनुसार बदमाशों की संख्या 5 थी। सीसीटीवी फुटेज में दिख रहे समय के अनुसार बदमाश बजे दुकान और घुसे और बजे दुकान से निकल गए। दोस्तों बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो पूरा देखने के लिए। हमें कमेंट्स के जरिए बताइए कि वीडियो कैसा लगा। लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें।